नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख बीतने के बाद नेता तेजी से अपना प्रचार करने में लग गए हैं। अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए वो जनता से कई दावे और वादे कर रहे हैं। कई बार इसे लेकर जुबानी जंग होती है, लेकिन सतना में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवक ने चित्रकूट से विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला कर पथराव कर दिया। आपको बता दें, चित्रकूट से कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी की स्कॉर्पियो और काफिले की गाड़ियों में देर रात हमला हुआ है। सूत्रों की माने तो एक शराबी के द्वारा कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी की स्कॉर्पियो और काफिले की गाड़ियों में पथराव किया गया है। इसमें काफिले की दो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी को किसी तरह की चोट नहीं आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला मझगवा थाना क्षेत्र के मझगवा और मिचकुरिन के बीच का है, जब चित्रकूट से कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के स्कॉर्पियो और काफिले की गाड़ियों में देर रात हमला हुआ। मझगवा टीआई आदित्य नारायण ध्रुवे ने पुलिस बल के साथ त्वरित कार्यवाही करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के काफिले के वाहनों पर पथराव करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है और बताया कि शराब के नशे में ट्रक चालक ने ही पथराव किया था। वाहनों पर पथराव करने के बाद वो जंगल में छिप गया था, जहां से उसे खोज निकाला गया है। पकड़े गए आरोपी का नाम संदीप चौधरी, पिता बिहारी चौधरी, उम्र 21 वर्ष है। वो बरेली जिला रायसेन का रहने वाला है। आरोपी ट्रक क्रमांक UP83BT7069 से इलाहाबाद से पाइप खाली कर वापस बरेली रायसेन जा रहा था, जो मझगवा अंतर्गत मिचकुरिन के पास शराब के नशे में होकर आने जाने वाले वाहनों में पत्थर फेंक रहा था। कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी चुनाव प्रचार कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मझगवा और मिचकुरिन के बीच उनकी गाड़ी और समर्थकों की गाड़ियों में पथराव हो गया। एक गाड़ी सड़क से नीचे भी उतर गई। इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गया, जिसे पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस घटना में किसी को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है, सभी सुरक्षित हैं और आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तब सीसा में सीधा अटैक हुआ है, इसी गाड़ी के ऊपर नहीं, ना ठेला वाले के ऊपर मारे हैं। देखो कितनी गाड़ियां निकल गई हैं। तब सीसा में सीधा अटैक हुआ है, इसी गाड़ी के ऊपर नहीं, ना ठेला वाले के ऊपर मारे हैं। देखो कितनी गाड़ियां निकल गई हैं।